मैडम आप प्लीज बैठ जाइए ना। चुप कर, नहीं बस किधर है? बिठाए ना मैडम, कॉफी शॉप में आई इधर। सर आ गए। जल्दी आने के लिए तो मुझे नाइट ड्यूटी पे नहीं भेजना चाहिए था ना मैडम। हाँ, रात को एनकाउंटर, सवेरे नेगोशिएटर, क्या है क्या ये? वो मुझसे क्यों बात करना चाहती है? मुझे क्या पता, यहाँ आए हो तो खुद पता कर लो। तो He's done something. किसे पता करना है वो भी? He's done something wrong. हम अभी अंदर जा रहे हैं नेबर से पूछताछ करने के लिए। आप अभी जा रही हैं? कहते मैडम आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। Someone from her family. He seems like a prick. Someone from her family died because of him. Yeah. Because he didn't handle something properly. Yeah. He's corrupt or something. Yeah. For sure. तेरी मैडम के साथ रह रहे कर तुझे भी मेडल का भूत चढ़ गया। He's a dickhead. गन और गुनेगार साथ में है ना? हो सही। तो फिर क्यों अंगूर छिलके खा रहा है? He's a dickhead. मेडल मैडम राह देख रही है। He's a dickhead. He's an absolute tosser. There's something about him I don't like. Not the actor. To the people that've got no brains. Impossible. Not the actor. Well, it is possible. The character. That's true. क्या ये घर नैना का है? नहीं नहीं, उसके मंगेतर रोहित मिर्चंदानी का। नैना यहाँ प्ले स्कूल चलाती है। मतलब इसमें दोनों शामिल हैं? नहीं सर, रोहित तो सुबह ही ऑफिस चला गया। कहाँ काम करता है वो? चेलाराम एसोसिएट। वो बहुत ही रिप्यूटेड क्रिमिनल लॉयर। कोई फोन लगाकर दे सकता है उसे? यस सर। प्लीज टेल मी आंटी, क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? क्या हो गया है सब? इंस्पेक्टर जावेद खान। लिसन सर, नैना बाद में मेरा फोन काट लिया। शी फाइन? शी ओके? आई एम रियली वरीड अबाउट हर सर। कहाँ है? मैं सर मैं काफी दूर हूँ लेकिन वापस कर आ रहा हूँ। आपका गाड़ी नंबर और लाइव लोकेशन इस नंबर पर भेज दीजिए। हाँ और जल्दी आइए, यहाँ पर मौसम और माहौल दोनों गंभीर होते जा रहे हैं। सर मेरी बात सर। See, there's something. He's dodgy, man. He's done something, for sure. There's something about this Javed that I don't like. सकती हमें नहीं मालूम अंदर क्या हो रहा है, ये नैना कौन है और क्या चाहती है। लेकिन मैम आप समझिए प्लीज। सर आई कैन नॉट अलाउ दैट। अगर आपको नैना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है प्लीज हमें दीजिए। मैम नैना 3 हफ्ते तक सिक लीव पे थी और आज ही वापस आई है। तो इसका मतलब प्ले स्कूल बंद था? नहीं, मैं सब्स्टिट्यूट कर रही थी। एक्चुअली नैना 1 और हफ्ते तक नहीं आने वाली थी लेकिन कल रात को उसने मुझे फोन किया और कहा कि वो आज ही वापस आ रही है। नैना बहुत ही अच्छी लड़की है। सो दिस इज वेरी शॉकिंग। व्हाट शॉकिंग? उसी ने पेरेंट्स के मैसेज ग्रुप पे वीडियो सेंड किया है, ऑनलाइन भी अपलोड कर दिए। सर प्लीज आप थोड़ी देर रुकिए, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। आई विल हैव यू ऑल सीटेड इनसाइड। लो खंडे आपको कॉफी शॉप में बैठा दे, नहीं तो फिर मीडिया आएगी ने खा जाएगी। ए मेडिकल डाटा, ए पेरेंट्स को खाली मेरे साथ आने का। उसने खुद ही पेरेंट्स को वीडियो भेज दिया और पुलिस को भी खुद ही फोन किया है। शी इज नथिंग बट अ ब्लडी अटेंशन सीकर। धीरज सोशल मीडिया चेक करो नैना जायसवाल के नाम से। पिछले 3 हफ्तों से वो क्या कर रही थी, किधर थी, आई वॉन्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन राइट नाउ। हरिया मेरा फोन कनेक्ट कर दो। ये लोग इनको यहाँ पर क्यों बुलाए? अंदर बच्चे हैं ना? मैं जानती हूँ अंदर बच्चे हैं लेकिन गन पॉइंट पे हैं। तो और गज कर रहे होगी क्या? बच्चों के चिथड़े उड़ जाएंगे क्या? थी दिमाग घर पे छोड़ के आई हो? यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट? और टाइम वेस्ट मत करो, द टारगेट इज राइट हियर। स्टॉर्म द ब्लडी हाउस और 1 मिनट में खत्म करो। और प्रिकॉशन की बात तुम मत करना, आज तक मैंने तुम्हें अपनी ड्यूटी गन सेफ्टी लॉक पे लगाते हुए नहीं देखा। क्योंकि मेरी गन मेरे कंट्रोल में रहती है और ये ऑपरेशन भी मेरे कंट्रोल में रहेगा। उसने मुझे यहाँ पर बुलाया। इस ऑपरेशन का इंचार्ज मैं हूँ, डिसीजन मैं लूंगा, ऑर्डर्स मैं दूंगा। समझ गई आप मैडम?
that map. चलो यार जल्दी, एक फोन ही तो लगाना है। कितनी देर? बस बस एक मिनट सर प्लीज। है सर। जावेद खान, देखो यहां रुके रहने का किसी को भी कोई शौक नहीं है। अंदर बच्चे हैं जो अनजान हैं, बाहर उनके मां बाप तड़प रहे हैं, पुलिस परेशान है क्योंकि हम पर भी बहुत प्रेशर है। अगर आप चाहो तो इस सबको रोक सकती हैं। किस इडियट ने कहा है कि मुझे ये सब रोकना है? तमाशा तो अभी शुरू हुआ इंस्पेक्टर खान। चलो बात करते हैं फिर। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है तो फिर सिर्फ मेरा नाम क्यों? मुझे नहीं लगता हम एक दूसरे को जानते हैं। करेक्ट, लेकिन महीने में एक बार तो पेपर में सुपर कॉप जावेद खान की कोई ना कोई कहानी छपती रहती है। आपकी ये जो तारीफ है उसे मैं इज्जत समझू या चुनौती? जैसा आप ठीक समझे। ठीक है तो फिर सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्या चाहिए आप? 5 करोड़ हो जाएगा। आगे मेरा बैकग्राउंड चेक, बैंक डिटेल्स, सब कुछ होगा आपके पास, वही ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद आप बच्चों को छोड़ दोगे? सिर्फ एक बच्चा बाहर है। नैना जी, होना तो ये चाहिए कि मैं आपके अकाउंट में 5 करोड़ ट्रांसफर कर दूं, उसके बाद मैं खुद हमारे खर्चे से आपको एक चार्टर प्लेन में बिठा दूं, आपको जहां जाना है आप चली जाएं और सारे बच्चे यहीं रह जाएं। यही होना चाहिए, है ना? 1 घंटा 5 करोड़। फिर से उसने क्या तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर दी? तुम तो महात्मा ही बन गए, 5 करोड़ एक्सेप्ट कर लिए। 59 मिनट बचे हैं, पैसों का इंतजाम कर ले। अगले डिमांड में बोलेगी ताजमहल मेरे नाम कर दो तो? साढ़े 58 मिनट। मैम, दोस ब्लूप्रिंट्स आर रेडी। घर के 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, एक प्ले स्कूल से, एक मेन एंट्रेंस और एक बैकयार्ड से। बच्चे आगे की तरफ प्ले स्कूल में होने चाहिए और ये पीछे की तरफ उनका घर है। हाय साहब। साहब ये देखिए, ये वीडियो नैना ने अभी अभी पोस्ट किया है। मैंने पुलिस से 5 करोड़ की डिमांड की है, जैसे ही पेमेंट मिल जाएगा मैं एक बच्चे को बाहर आने दूंगी। 49 मिनट्स बचे हैं पुलिस के पास, and if they don't meet my demands, तो हर एक घंटा एक बच्चा मरेगा इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले ए फॉर आकाश। You better hope that your child is named Zebra. Yeah. Jesus Christ. बस अब कुछ ही देर में हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती माया राजगुरु मुंबई एयरपोर्ट से साउथ मुंबई की ओर रवाना होंगी। I'd be screwed. My name starts with a D. ब्रॉडकास्ट चैनल से मैं शालिनी गुहा, wishing you all a very good day. I'd be like, I'm fucked. Hang शालिनी, तुम्हारा फोन नॉन स्टॉप बज रहा है।
और हमारा प्रोड्यूसर वो ब्रेकिंग न्यूज वाले की बजा रहा है। शालिनी मेलकम से प्रमोशन के बारे में बात करना, उससे वो तो एक अलग लेवल का एसहोल है। What's happening? ब्रेकिंग न्यूज है, किसी ने बच्चों को हॉस्टेज बना लिया है। Damn sad. It's not like I'll be giving the breaking news anyway. Shalini कहाँ जा रही हो? और ठीक है फोन यार। क्या है? कौन है? Hello. Yeah. नहीं 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 actually वो भी जा रही है। मेरी पुलिस से कुछ demands हैं। Maybe it's her. She's one of her moms. One of her children are there. Shalini? Listen, what are you saying? Drive me, come on, Shalini. We're going live in 1 minute. Everyone be ready. Okay, make it very emotional. Full on melodrama. Make it clear ki Shalini Guha yahi ki hamari hi journalist hai. Everyone should feel sorry for her. Aur her sentence mein BNBC bombard karte raho. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Let's go. Going live in 5, 4, 3. और आज की ब्रेकिंग न्यूज, मुंबई के रिहायशी इलाके कोलाबा से आ रही है। यहाँ एक प्ले स्कूल टीचर ने 16 बच्चों को हॉस्टेज ले लिया है। What you are witnessing here is shocking. अब देख रहे हैं कि जीत किसकी होगी, पुलिस की या नैना से पागलपन की। Close your eyes, look up in the sky and imagine stars. Twinkle, twinkle. Holy crap and crap. Oh my god. Bro, I'd be freaking the shit out as a parent. Oh my god. Fuck. Oh my god. You have 32 minutes left. That's crazy. How is her account not being banned yet? Is that his sister? Looks like it. Not lover. No, sister probably. That's the press for you. They don't care about you unless it's a story. Yep. No one, in fact, cares about you unless you're a story. जावेद वो कुछ नहीं करने वाली सर, वो किसी भी बच्चे को शूट नहीं करेगी। आप गारंटी ले रही है? वो शूट कर चुके हैं। Don't take the opportunity. सिचुएशन के लिए नहीं बना जावेद, वो एक औरत है। Let's move in and let's get this done and over with in 2 minutes. Sorry sir. जावेद सर जाने दीजिए उसे। कैथरीन 3 घंटे हो चुके हैं, एक तो PM टाउन में है उसका प्रेशर, ऊपर से ये सब। Why would you take the risk? तो PM PM और ये जो मीडिया है ना, तीनों मिलकर हमारी। Sorry sir. Sir. Now.